एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर देयर लर्निंग। इसी तरह से टीचर के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, टीचर के काम को ये कम करती है। लेक्चर मेथड में टीचर ही 40 मिनट या 30 मिनट की क्लास में अपना लेक्चर डिलीवर करती है, लेकिन क्या उसमें लर्निंग है? क्या वो गोल ओरिएंटेड है? क्या वो SLO से मैच करता है? किस ग्रुप को, किस एज को, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट डिलीवर करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करना है? आज इस दौर में हम लेक्चर बेस्ड मेथड पे डिपेंड नहीं कर सकते। आज हम जानेंगे कि एक्टिविटी बेस्ड मेथड बेसिकली क्या है, इसमें लर्निंग कितनी होती है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, और क्या टीचर्स को उस सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए कुछ ख़ास तरीकों की ज़रूरत है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इज़ अ फॉर्म ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, यानी क्लास में कोई भी सरगर्मी या कोई भी एक्टिविटी करवाने के दौरान स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंटली कंक्रीट मटेरियल के साथ अपने आप को इंगेज करते हैं, जिससे उनकी लर्निंग इन्हांस होती है। स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर कि वो खुद से एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें। ये किस्म की कंक्रीट लर्निंग है और फन लर्निंग भी इसे कहा जाता है। अगर हम मज़ीद किसी डेफिनेशन को एक्सप्लोर करें तो उमूमन ये ख्याल किया जाता है कि क्रिएटिविटी के लिए ये एक्टिव लर्निंग जो है एक अप्रोच है टू इंस्ट्रक्शन इन विच स्टूडेंट्स इंगेज द मटेरियल दे स्टडी थ्रू रीडिंग, राइटिंग, टॉकिंग, लिसनिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। अगर हम एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग या लर्निंग की हिस्ट्री की बात करें, ये तकरीबन World War II में सबसे पहले इन्वेंट हुई। डेविड हार्सबर्ग वो पहला बंदा था जिसने अपनी क्लास के अंदर एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग और मटेरियल को यूज़ किया। नील बाग स्कूल था जहाँ से सबसे पहले एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग स्टार्ट हुई। उसने करिकुलम इस तरीके से डिज़ाइन किया जिसमें म्यूज़िक, कारपेंट्री, स्विमिंग, गार्डनिंग और इसी तरह से स्कूल के सब्जेक्ट्स भी इनकलकेट किए, और उसने मटेरियल को इतना सिस्टमेटिक प्लान किया कि वो करिकुलम का हिस्सा बन गए। अब आते हैं हम कि एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट होता है। अगर बच्चा 40 मिनट एक ही क्लास में एक ही टीचर कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करता है तो दे और ही और शी मे गेट बोर्ड, स्टूडेंट्स गेट बोर्ड। इसलिए जब वो खुद से चीज़ों को बाय डूइंग करके सीखते हैं तो उससे उनकी लर्निंग इन्हांस होती है और चांसेस हैं कि उसमें हाई ऑर्डर थिंकिंग भी डिवेलप हो। स्कूल में क्लासेस का इन्वायरमेंट बहुत प्लेजेंट होता है, जो कि रिक्वायरमेंट है एजुकेशन की, बहुत कलरफुल इन्वायरमेंट होता है। इसी तरह चिल्ड्रंस की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच इसे कहते हैं, इसमें टीचर सेंटर्ड अप्रोच नहीं होती, और ये मॉडर्न जो टीचिंग और लर्निंग है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, स्टूडेंट्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, शेयरिंग होती है, कम्युनिकेशन होती है, फ्रीली ओपनली एक दूसरे से सीखते हैं। टीचर का रोल यहाँ पर एज अ फैसिलिटेटर होता है। टीचर ने बच्चों को मटेरियल प्रोवाइड करना होता है, डिस्कशन के बाद उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करना होती हैं, और फिर वक्फे से मुख्तलिफ ग्रुप्स में जाकर बच्चों को टास्क के बारे में बताना होता है। इसमें स्कोप ऑफ क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, बच्चों की लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है इसमें। इसके बाद अगर हम चलें, लर्निंग पैरामिड डेल का है, उसका कहना है कि रीडिंग से हमारी 10% लर्निंग होती है, ऑडियो विजुअल से 20%, डिमॉन्स्ट्रेशन से 30%, डिस्कशन से 50% और प्रैक्टिकल वर्क से 75% और दूसरों को पढ़ाने से 90%। जब भी हम क्लास में कोई भी एक्टिविटी करवा रहे होते हैं तो उसमें बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, बहुत सी शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ होता है, और यही रिक्वायरमेंट है स्कूल की, क्लास की और लर्निंग की। जॉन डेवी इस सिलसिले में कहता है कि ऑल जेन्युइन लर्निंग कम्स थ्रू एक्सपीरियंस, यानी हम ज़िंदगी में जो चीज़ भी सीखते हैं, चाहे वो क्लासरूम के अंदर हो या क्लासरूम से बाहर हो, वो जब तक हम उन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करते या प्रैक्टिकली उन चीज़ों को नहीं करते, हम नहीं सीख पाते। इसलिए ये कहा जाता है एजुकेशनिस्ट की तरफ से कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके फ्राहम किए जाएँ, अपॉर्चुनिटीज़ फ्राहम किए जाएँ, जहाँ पर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें और लर्निंग बाय डूइंग के ज़रिए चीज़ों को सीख सकें। अमेरिका में
इस स्ट्रेटजी के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है, इसीलिए बहुत से क्रिएटिविटी वहाँ पे होती है, इन्वेंशंस वहाँ पे इसीलिए हो रही होती हैं। अगर हम फर्दर जाएं तो इसमें स्टूडेंट्स की रीडिंग राइटिंग डिस्कशन भी होती है और स्टूडेंट एंगेज होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक कॉन्सेप्ट है वो भी डेवलप होता है यहाँ पे स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स यहाँ पे चीज़ों को एनालाइज करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, एवेल्युएशन भी करते हैं और आखिर में क्रिएटिविटी आती है, और यही एजुकेशन का मकसद भी है। इसके अगर मज़ीद एडवांटेजेस की बात करें तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है, जो कि नॉलेज एक्वायर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद स्टूडेंट्स अब बहुत ओपन होके काम करते हैं, कोई हेजिटेशन नहीं होती। वो स्टूडेंट्स जिन्हें हम स्लो लर्नर्स कहते हैं या कोई डिसेबिलिटी की वजह से परफॉर्म नहीं कर पाते या किसी भी किस्म की हेजिटेशन की वजह से टीचर की प्रेजेंस में, लेकिन जब वो मिलके एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो लर्निंग ज़्यादा होती है और फ्रीली वो कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं। मिस्टेक्स भी होती होंगी लेकिन वो करेक्शन भी साथ साथ होती है और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ फ्रीली होते हैं, और टीचर यहाँ पे फैसिलिटेट करती है, गाइड करती है, मैनेज करती है क्लास को, और यहाँ पर टीचर एज अ हेल्पर काम करती है, ना कि अथॉरिटेरियन टीचर के तौर पे। इसके बाद ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप कोई क्लास में एक्टिविटी करवाएं वो एक्टिविटी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए टू लर्निंग आउटकम्स, और स्टूडेंट्स उसमें एंगेज हों, मोटिवेट हों, और बहुत ही मुश्किल काम ना दे दिया जाए जो फ्रीली वो ना कर सकें। इसी तरीके से ये लाइफ रिलेटेड एक्सपीरियंसेस होने चाहिए और स्टूडेंट्स को मौका देना चाहिए कि वो डिसीजन डेवलप करें अपने किसी भी चीज़ को लेके, लेकिन बेस होना चाहिए फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन और लॉजिक। और कोशिश टीचर की ये होना चाहिए कि इन एक्टिविटीज़ के दौरान सारे बच्चे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों और अच्छे तरीके से उसको सीख सकें। टीचर का रोल यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, टीचर को विजिलेंट रहना होगा, एक्टिव रहना होगा। ग्रुप वर्क में जाके ये काम करना पड़ता है, क्लासरूम में आप सीटिंग प्लान इस तरीके से करें कि हर ग्रुप में 5 से 6 बच्चे बैठे हों, एक ग्रुप का लीडर हो जो सबसे चंकी और सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है जो, और उस बच्चे को या एक्टिव है उस बच्चे को ग्रुप लीडर बनाया जाए ताकि वो बाकी बच्चों की मामलत करे, उनको हेल्प आउट करे। इसके अलावा टीचर हर ग्रुप में जाकर फर्दर मॉनिटर करे कि क्या क्लास में काम उस तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या रिक्वायर जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं उनको मीट कर रहा या नहीं कर रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 21st सेंचुरी स्किल्स की अगर बात करें तो एक टीचर को ये पता होना चाहिए कि मेरी क्लास में किस किस्म के स्टूडेंट्स बैठे हैं, जहाँ पे डिफरेंट इंटेलिजेंसेस के बच्चे बैठे हुए हैं, जिनकी लर्निंग प्रायोरिटीज़, जिनकी लाइकनेस डिसलाइकनेस भी डिफरेंट है, जो डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, वहाँ पे डिसेबल स्टूडेंट्स भी होंगे, वहाँ पर स्लो लर्नर्स भी होंगे, वहाँ पे शार्प लर्नर्स भी होंगे जो अपना काम जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं और फिर बाकी बच्चों को हो सकता है वो डिस्टर्ब करें। तो टीचर को हर बच्चे को जहन में रख के अपने लेसन को, अपनी एक्टिविटी को, अपने मैथड्स को, टीचिंग टेक्निक्स को, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को प्लान करना होता है। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग पूरी दुनिया में इस वक्त इम्प्लीमेंटेड है स्कूल्स के अंदर, और जितनी भी ट्रेनिंग्स आप सेशन देखते होंगे उसमें ABL या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या टीचिंग के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है। हमारे स्कूल्स तभी आगे बढ़ सकते हैं कि जब हम लेक्चर बेस्ड मेथड से शिफ्ट करें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर। ये बच्चों के माइंड्स को ओपन करता है, इनमें लर्निंग के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं, बहुत प्लेजेंट एटमॉस्फेयर होता है और इजी भी है। टास्क लर्निंग बाय डूइंग से बहुत इजी हो जाता है और वो बिल्कुल होम लाइक एटमॉस्फेयर फील करते हैं। विजिट फील्ड ट्रिप्स पे आप उनको चाहे लेकर जाएं, चाहे आप उनको किसी अच्छी जगह पे लेके जाएं जहाँ पे वो एक्सप्लोर कर सकें, चीज़ों को जान सकें, आप डिबेट करवा सकते हैं, डायलाग करवा सकते हैं, गैलरी वॉक करवा सकते हैं, क्लास में क्विज करवा सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को लेके क्लासरूम में डिस्कशन, चाहे वो ग्रुप डिस्कशन है, पीयर डिस्कशन है, पेयर डिस्कशन है, या इंटायर क्लासरूम डिस्कशन है, क्वेश्चन आंसर्स एक्टिविटी आप करवा सकते हैं। इसी तरीके से कोई इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ है वो भी करवा सकते हैं, प्रैक्टिकल्स, एक्सपेरिमेंट्स, रोल प्ले, केस स्टडीज़, ब्रेन स्टॉर्मिंग, इस तरह की बेशुमार एक्टिविटीज़ हैं जो टीचर क्लास में करवा सकते हैं। डिपेंड करता है कि टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, किस लेवल को पढ़ा रही हैं, और टाइमिंग्स को भी आपने मद्दनज़र रखना होता है कि कितने मिनट की क्लास है और उसको किस तरीके से हमने सम अप करना है ताकि जो रिक्वायर्ड लर्निंग आउटकम्स है वो अचीव हो जाए। और
ABL मेथड को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लासेस में यूज़ कीजिए, ये बहुत बेनिफिशियल है और यू विल फील कि हाउ बेनिफिशियल इट इज़ फॉर योर स्कूल्स, फॉर योर स्टूडेंट्स लर्निंग।